और वही पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को हाईकोर्ट का बड़ा झटका लगा है, जहां डबल बेंच ने खारिज की सजा रद्द करने की याचिका। आपको बता दें कि योगेंद्र साव के चुनाव लड़ने पर रोक जारी रहेगी। बड़कागांव एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण केस में सजायाफ्ता है योगेंद्र साव। जस्टिस रत्नाकर भेंगरा और जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में सुनवाई, जहां सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अब तैयारी शुरू करेंगे योगेंद्र साव। बड़कागांव एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण केस में सजायाफ्ता है योगेंद्र साव। बता दें कि जस्टिस रत्नाकर भेंगरा और जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में ये सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं योगेंद्र साव। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को बड़ा झटका यहां पे लगता हुआ, जहां आपको बता दें कि डबल बेंच ने उनकी याचिका को, सजा रद्द करने की याचिका को खारिज कर दी है। फोन लाइन पे हमारे सहयोगी दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, योगेंद्र साव को एक बड़ा झटका लगा है, जहां उनकी जो सजा रद्द करने की याचिका है उसे खारिज कर दी गई है, क्या कुछ पूरा सुनवाई में हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए योगेंद्र तिवारी से जुड़ा जो मामला है, बड़कागांव गोलीकांड हुआ था और उसमें जो सत्याग्रह किया गया था एनटीपीसी के खिलाफ, योगेंद्र तिवारी और अपने समर्थकों के साथ वहां पे सत्याग्रह किया गया था और उसी मामले में कई जो प्राथमिकी है वो दर्ज कराई गई थी और जिस मामले की सुनवाई जो है रांची सिविल कोर्ट में हुई और सुनवाई के दरमियान जो है योगेंद्र तिवारी को 10 साल की सजा हुई थी और उसी सजा को जो है झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और सुनवाई के दरमियान योगेंद्र तिवारी जो पूर्व मंत्री है उनकी जो याचिका थी उस याचिका को खारिज कर दिया है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो चुनौती दिया था, वो चाह रहे थे कि अगर उनमें राहत मिलता अगर तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो चुनाव होना है तो चुनाव भी लड़ पाते, लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया, रद्द कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें बड़ा झटका लगा है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। चूंकि कभी भी किसी भी नेता को अगर 3 साल से सजा होती है, उससे अधिक होती है, तो उन्हें चुनाव लड़ने पर रोक रहती है और वैसी परिस्थिति में जब निचली अदालत से जो सजा उन्हें मिला था, जिसको हाईकोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया था और हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिला है, तो ऐसी परिस्थिति में अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बने रहिए दीपक आप हमारे साथ, एक और बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है जहाँ दर्शकों को हम रूबरू करा दे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।